एक तरफ जहां विपक्ष सदन में अड़ा हुआ है, बार बार सदन की कार्रवाई रोकी जा रही है, और दूसरी तरफ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अड़े हुए हैं राज्यसभा सांसद, और अब ईडी नई सीडी बनेगी जांच की, ये कोशिश कर रहे हैं यहां पर। और हमारे साथ मौजूद से बात नहीं कर रहे हैं, मैं ज्ञापन में प्रावधान लेके आया हूं, ये मनी जो रीट पेपर लीक में लेन देन हुई है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, करोड़ों का लेन देन हुई है, आपस में ट्रांसफर हुआ है, एक्सचेंजेस हुए हैं, जो मीडिया ने भी दिखाए हैं, 71 लाख, 11 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 22 लाख, 1, तो 400-500 करोड़ का मामला बनता है पूरे राजस्थान में। ईडी का प्रकरण है, तो ईडी का ज्वाइंट डायरेक्टर साहब को हम देने के लिए आए कि आप तुरंत फुरत इसमें जांच करें, नहीं तो ये प्रमाणों को, सबूतों को और मिटा देंगे, और ये इसमें मैं ईडी को प्रमाण दे रहा हूँ पूरे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि सीबीआई को जांच नहीं दे रहे हैं तो आप ईडी का दरवाजा खटखटा रहे हैं? नहीं नहीं, इसमें ईडी जांच कर सकती है, वैसे तो राज्य सरकार रिकमेंड कर सकती है, राज्य सरकार रिकमेंड नहीं करे तो मैं नहीं दे रहा, ये अभ्यर्थी दे रहे हैं। 26 लाख अभ्यर्थियों की तरफ से 2 अभ्यर्थियों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। आप जो 2 अभ्यर्थियों को लेकर आए हैं, उन्होंने क्या बताया है? ये रही ना, एक तो ये रही, मुकेश कहाँ है? मुकेश वो रहा। अच्छा, क्या क्या परेशानी है आपकी, क्या क्या पीड़ा है, क्या कह रहे हैं आप? मेरे पति मर गए इस रीट के एक्सीडेंट में, मेरे पति ड्राइवर थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो ये मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, वो जैसे सांड आ गया, वो आ गया, ये आ गया, तो मैं न्याय चाहती हूँ। न्याय करते थे आपके पति, क्या कहानी उसकी पूरी? प्राइवेट ड्राइवरी करते थे। अच्छा। और मेरे को उन्होंने ऐसे रोड पे काम कर करके मेरे को इस लेवल तक पहुंचाया कि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। अच्छा, आपने भी परीक्षा दी थी? मैंने परीक्षा दिया था रीट लेवल 2 का। अच्छा, कंटेनर लेकर जा रहा था एक पति, कंटेनर में क्या था, क्या हुआ? कंटेनर में रीट के पेपर थे, बाद में पता चला था। अच्छा, तो अभी क्या कह रहे हैं, आपने उनसे बातचीत की, सरकार से बातचीत की? सरकार कोई बातचीत करने ही तो नहीं चाहती, तभी तो मैंने डॉक्टर साहब का दरवाजा खटखटाया, ये इन्होंने मेरा साथ दिया है तो मैं इनके साथ हूँ, और जब तक आदरणीय वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तब तक मिलेंगे नहीं, सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे तब तक मैं यहीं बैठी रहूंगी। अच्छा, तो ये वो महिला है, क्या नाम आपका? मनीष। ये मनीष हैं जिनके पति कंटेनर चला रहे थे, बताया जा रहा है कि उस कंटेनर में रीट के पेपर थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ईडी के दफ्तर में जा रहे हैं, और आप देखिए यहाँ डॉक्टर साहब, ये जो आपके पास है पेन ड्राइव, इसमें क्या है? पेन ड्राइव में सब कुछ है, इसमें घोटालेबाज हैं, घपलेबाज हैं, जिन्होंने पैसे लिए वो लोग हैं, करोड़ों की लेन देन, लाखों की लेन देन किए वो लोग हैं। कौन कौन लोग हैं, नाम बताएंगे? मैंने बता दिया पहले, आप बैठे। कौन कौन पेन ड्राइव में, कौन कौन है पेन ड्राइव में? एक तो ये अभ्यर्थी है, एक ये अभ्यर्थी है, और इसमें देवाराम जी भी हैं, वो SDCM, और इसमें वो सुभाष गर्ग जी, पारा सर जी, DP जारोली जी, और बनेश सिंह जी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री का भी कुछ है इसमें? अब जो बाकी का कुछ गोपनीय है, जो मैं ईडी को दूंगा, आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो आप पूरा एप्लीकेशन लिख के ले जा रहे हैं, सबके नाम वगैरह? एप्लीकेशन मैं नहीं ले जा रहा, ये 2 अभ्यर्थी, अभ्यर्थियों की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है। अच्छा। ये अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर ये रहे। अच्छा। ये तो प्रमाण लगे हुए हैं, ये अभ्यर्थी हैं, 2 ये झुंझुनू की है। ये क्या उम्मीद करते हैं, ईडी मदद करेगी? ईडी का प्रकरण बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का, करेगी, और यहाँ से हम मुख्यमंत्री जी से विधानसभा जाएंगे मिलने, नहीं जाने देंगे तो यहीं बैठ जाए। आपको रोक लिया जाता है बार बार? हमारे तो किस्मत में ये लिखा है, हमारी हाथ की रेखाएं लंबी नहीं है। तो ये थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, और जिन लोगों के नाम लिए हैं उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया जाएगा तो ईडी के दफ्तर में ही बैठ जाएंगे, धरने पर बैठ जाएंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चल रही है, और विधानसभा में लगातार विपक्ष मांग कर रहा है, काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहा है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है। वहीं 2 अन्य अभ्यर्थियों को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ईडी के दफ्तर पहुँच चुके हैं, और यहाँ वो ये कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, और तकरीबन 400 करोड़ रुपये का घोटाला बता रहे हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सीबीआई को जाँच सरकार नहीं दे रही है तो अब क्या ईडी कोई मदद कर पाएगी। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ, नवभारत, जयपुर।